ओके, प्रीवियस लेक्चर में हमने प्लांट मोमेंट्स के टॉपिक को डिस्कस किया था। इसमें हमने एक मोमेंट प्लांट की डिस्कस की थी, ट्रॉपिक मोमेंट और उसके टाइप्स। आज हम एक दूसरी मोमेंट प्लांट में जो होती है नॉन डायरेक्शनल मोमेंट, जिसे हम कहते हैं नेस्टिक मोमेंट, उसे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ट्रॉपिक मोमेंट हमने कल डिस्कस किए थे पिछले लेक्चर में, तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अब नेस्टिक मोमेंट। तो नेस्टिक मोमेंट हम किसे कहेंगे? नेस्टिक मोमेंट हम ऐसी मोमेंट को कहते हैं जहां पर स्टिमुलस एक्सोजिनस हो, यानी कि स्टिमुलस जो हो वो बाहरी हो, वो बाहर से प्लांट पे प्लांट के रेस्पॉन्स को इन्वोक करे, एनवायरमेंटल हो, ठीक है। लेकिन नेस्टिक और ट्रॉपिक में एक डिफरेंस है, और ये डिफरेंस है किस चीज की? ये डिफरेंस है डायरेक्शन की। ट्रॉपिक मोमेंट में स्टिमुलस की डायरेक्शन से ही रेस्पॉन्स की डायरेक्शन डिटरमाइन होती है, जबकि नेस्टिक मोमेंट में ऐसा कुछ नहीं होता। स्टिमुलस का डायरेक्शन कुछ भी हो, रेस्पॉन्स एक ही जैसा आएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल समझाने के तौर पे इस्तेमाल करते हैं हम। आप मान लीजिए आपकी तरफ कोई पेन आ रहा है, ठीक है, आपकी तरफ कोई नोकीली चीज आ रही है, ठीक है। तो उस टाइम पे आप क्या करेंगे? ये पेन आपकी तरफ आना, ये एक स्टिमुलस है, क्योंकि ये आपसे आपका रेस्पॉन्स देखेगा, ये आपसे आपका रेस्पॉन्स चाहेगा, ठीक है। तो जब एक सुई या एक नोकीली चीज या कोई बहुत बड़ी भारी चीज जिसको देखकर आप डर जाएंगे और आपकी बॉडी अपने अपना बचाव करने लगेगी, तो ऐसी सूरत में आप क्या करेंगे? तो अब जहां से आपका वो ऑब्जेक्ट आ रहा है, डेफिनेटली आप उसकी तरफ तो नहीं जाएंगे, आप उससे अगेनस्ट ही जाएंगे, क्योंकि आप ढूंढेंगे कोई ऐसी जगह जहां पर वो ऑब्जेक्ट आपको हिट ना करे, ठीक है। तो यानी कि आपका जो रेस्पॉन्स है वो डायरेक्शन पे डिपेंड था। अगर वो राइट से आ रहा है तो आप राइट की तरफ नहीं जाएंगे, आप लेफ्ट की तरफ जाएंगे, ठीक है। अगर वो ऑब्जेक्ट जो आपको हिट कर रहा है वो राइट की तरफ आ रहा है, लेफ्ट की तरफ आ रहा है, तो आप राइट की तरफ मूव करेंगे और अपने आप को सेव कर लेंगे। ये तो हो गया जब डायरेक्शन पे आपका रेस्पॉन्स डिपेंड होता है, जब आपका रेस्पॉन्स डायरेक्शनल डायरेक्शन की वजह से डिटरमाइन हो पाए, ठीक है। अब दूसरा रेस्पॉन्स होता है जहां पर स्टिमुलस कहीं से भी आए, आपका रेस्पॉन्स एक ही होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आप ऊपर हो और आपकी माँ आपको नीचे नीचे के कमरे से बुला रही है, ठीक है। अब जब आपको माँ माँ चाहे आपको राइट वाले कमरे से बुलाए, लेफ्ट वाले कमरे से बुलाए, या वो आपको किसी भी जगह से बुलाए, आपका रेस्पॉन्स एक ही होगा, जी मैं यहाँ पर हूँ, ठीक है। तो आपका रेस्पॉन्स डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस पे नहीं डिपेंड है, बल्कि स्टिमुलस पे डिपेंड है। यानी स्टिमुलस आपको मिला, आपने कोई स्टिमुलस देखा तो आपने रेस्पॉन्ड किया। अब वो कहाँ से आया, वो उसकी डायरेक्शन क्या थी, उस पर आपका रेस्पॉन्स डिपेंड नहीं करता, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर एक एग्जाम्पल नेस्टिक मोमेंट का एक टाइप है जिसको हम कहते हैं फोटोनेस्टी। फोटोनेस्टी में स्टिमुलस लाइट होता है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा पिछले लेक्चर में कि जो फोटो का मतलब होता है, फोटो मीन्स लाइट। तो फोटोनेस्टिक मोमेंट एक ऐसी नेस्टिक मोमेंट है जिसमें स्टिमुलस जो होता है लाइट होता है। अब देखिए, फोटोनेस्टी नॉर्मली बहुत सारे फ्लावर्स में देखी जा सकती है, जैसे कि डेंडेलियन का फ्लावर है या फिर कशेरुक पट हंस वना, ठीक है। हंस पोश शासन, इसकी एक बढ़िया क्वालिटी है, इस फ्लावर की एक अच्छी क्वालिटी है। जब सुबह लाइट होती है तो ये फ्लावर जो है वो खिलता है, ये फ्लावर खिलता है लाइट
के होने से ये फ्लावर जो है वो खिलता है, जो पोष खिलाना, ठीक है। और जब इवनिंग होती है तो ये फ्लावर वापस क्लोज हो जाता है, ठीक है। तो ये किस पर डिपेंड होता है? ये लाइट पे डिपेंड होता है। लाइट जब इस फ्लावर के ऊपर पड़ती है तो ये खिलता है, ओपन होता है, और जब इवनिंग होती है और ग्रुब आफ्ताब होता है उस टाइम पे ये फ्लावर जो है वापस क्लोज हो जाता है, ठीक है। यानी ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेंडेलियन फ्लावर इज एक्चुअली अ फोटोनेस्टिक मोमेंट। अब ये फोटोनेस्टिक मोमेंट जो डेंडेलियन फ्लावर दिखा रहा है ये स्टिमुलस पे तो डिपेंड है, यानी कि लाइट पे डिपेंड है, लेकिन लाइट की डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं है। क्योंकि आप मान लीजिए यहाँ पर जो मेरा हाथ है ये फ्लावर है, ठीक है, आप इसको कहीं से भी टच कीजिए, सॉरी लाइट कहीं से भी आप इसको डालिए, ठीक है, आप कहीं से भी इसको लाइट डालिए, राइट से डालिए, लेफ्ट से डालिए, ऊपर से डालिए, नीचे से डालिए, जहां से भी आपको लाइट डालनी है आप डालिए, रेस्पॉन्स एक ही होगा, पूरा का पूरा फ्लावर बंद हो जाएगा, चाहे लाइट कहीं से भी हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर अगर हम एग्जाम्पल यहाँ पर मिराबिलिस जलाबा की फ्लावर की है, ये भी एक फोटोनेस्टिक फ्लावर है, जहाँ पर हमें फोटोनेस्टी देखने को मिलती है, यहाँ पर भी हम फोटोनेस्टी देख सकते हैं, इसमें भी फोटोनेस्टी हमें बेहतरीन ढंग से नजर आती है, क्लियर। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि फ्लावर जब होता है तो किस तरह से अपना जो फ्लावर है ये किस तरह से खिलता है जब लाइट इस पे पड़ती है, और किस तरह से बंद होता है जब वो लाइट डिम होती है या कम्प्लीटली आउट ऑफ साइट होती है, ठीक है। तो इस नेस्टिक मोमेंट को हम कहेंगे फोटोनेस्टिक मोमेंट, क्योंकि यहाँ पर स्टिमुलस जो है वो लाइट है, और लाइट की डायरेक्शन पे फ्लावर का ओपनिंग या क्लोजिंग डिटरमाइन नहीं होता, बल्कि लाइट कहीं से भी हो फ्लावर आपका खुल जाएगा, फ्लावर आपका ओपन हो जाएगा, ठीक है। आप चाहे राइट से ले लो या लेफ्ट से ले लो, वरना आपको पता होगा जब तुलू आफ्ताब होता है, जब लाइट सनलाइट निकलती है, तो सनलाइट निकलने के टाइम पे जो लाइट होती है वो एक डायरेक्शन से होती है, वो क्योंकि हमें पता है कि जो सनलाइट होती है वो सुबह ईस्ट की तरफ होती है, तो उस टाइम पे सिर्फ जो फ्लावर का ईस्टर्न पार्ट है लाइट उस पर पड़ेगी, लेकिन तब भी आप देखेंगे कि वो फ्लावर पूरा का पूरा खिलेगा, ठीक है, और नाइट पर वो पूरा का पूरा बंद हो जाएगा। इसके बाद आती है निक्टेनेस्टी, यानी निक्टेनेस्टिक मोमेंट। अब ये नेस्टिक मोमेंट कहाँ पर होती है, ये किसकी वजह से होती है? ये होती है डार्क कंडीशन की वजह से, क्योंकि निक्टे एक्चुअली या निक्टेटिंग ये डार्क के लिए इस्तेमाल होता है। आपने कभी शायद सुना हो कि मुर्गों में भी निक्टेटिंग मेम्ब्रेन होता है, वो अंधेरा कर देता है, पर्दा डाल देता है आंखों के सामने, ठीक है। तो ऐसी नेस्टिक मोमेंट जो डार्क कंडीशंस की वजह से पैदा हो प्लांट में, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं निक्टेनेस्टिक मोमेंट या निक्टेनेस्टी, इस फिनोमेना को निक्टेनेस्टी कहेंगे, ठीक है। अब ये क्लोज जिस तरह से फोटोनेस्टिक मोमेंट होती है उसी तरह से निक्टेनेस्टिक भी होती है, ये अब फर्क इतना है कि ये नाइट में होता है, यानी कि कंप्लीट डार्कनेस जब होती है तो कुछ प्लांट्स हैं जिनके लीव्स उस वक्त बंद हो जाते हैं। ये तो फोटोनेस्टिक, तो मैंने आपको फ्लावर का एग्जांपल दिया था, और ये क्या होता है निक्टेनेस्टी में, जब डार्कनेस होती है पूरा का पूरा अंधेरा छा जाता है, तो कुछ प्लांट्स है जैसे कि लाइकोपीलिया है, लाइकोफेला है, ठीक है, तो ऐसे प्लांट्स क्या करते हैं, उनके जो कंपाउंड लीव्स होते हैं, जो उनके लीव्स होते हैं, कंपाउंड लीफ मतलब गो जहां पर एक लीफ नहीं बल्कि एक मिड रिप पे बहुत सारे लीफलेट होते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ,
जो एक लीफ होता है वो इस तरह का होता है। ठीक है, बीच में से इसके मिड रिब होती है, ये होता है नॉर्मल लीफ, इस तरह से आपका नॉर्मल लीफ होता है। ठीक है, इसको सिंपल लीफ कहते हैं, या लीफ इसको सिंपल लीफ। अब कभी कभार ऐसा होता है जो आपकी इस लीफ की जो मिड रिब है, मिड रिब को मंजिम लाइन या लीफ अचार, इस मिड रिब पे लीफ जो है वो कट जाता है, यानी लीफ युशासन पूरे जिसे थनान, ये असल में कैसा होता है, ये असल में इस तरह का होता है, लेकिन आप क्या देखते हैं इसे थनान और काटने की वजह से ये इस तरह से लीफलेट्स में बन जाता है, इस तरह से मिड रिब के इर्द-गिर्द लीफलेट्स बन जाते हैं। ठीक है, और ये इस तरह की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, ये मन चाहिए कि जिस शक्ल पर बना, छोटे छोटे लीफ बन जाते हैं। ठीक है, तो इसी सिस्टम को हम कहते हैं कंपाउंड लीफ। ठीक है, तो कई प्लांट्स हैं जिनके कंपाउंड लीफ डार्कनेस को देखकर बंद हो जाते हैं, इसी डार्कनेस चीवान यानी नाइट आती है तो वो इन लीव्स को बंद कर देते हैं ताकि वो लॉस ऑफ वाटर से अपने सिस्टम को बचा पाए, क्या तिमछासा एक्चुअली यथानन कि डार्कनेस में लॉस ऑफ वाटर ना हो। ठीक है, स्टोमेटा थ्रू गसन बे मजीद वाटर लॉस गसन के। ठीक है, अब इसी तरह से हमारे पास तीसरा नेस्टिक मोमेंट है जिसको हम कहते हैं थिग्मो नेस्टिक। अब यहाँ पर थिग्मो तो आपको पहले ही पता है, ट्रॉपिक मोमेंट में मैंने पहले ही कहा कि थिग्मो का मतलब होता है टच। तो जब आपने वहां पर पढ़ा था टच की वजह से कोई मोमेंट होना प्लांट में, लेकिन अगर वो टच की तरफ हो रही थी या टच के अगेनेस्ट हो रही थी तो हमने कहा था उसको ट्रॉपिक मोमेंट। अब नेस्टिक मोमेंट में क्या होगा, मान लीजिए ये मेरा हाथ है और ये एक फ्लावर है। ठीक है, फ्लावर आप इसको कहीं से भी टच कर लो, यहाँ से टच करो और ये बंद हो जाता है, आप आगे से टच करो ये इस तरह से बंद हो जाता है, आप थोड़ा साइड से टच करो इस तरह से साइड से टच करो तो ये बंद हो जाता है। ठीक है, तो कहीं से भी आप इस फ्लावर को टच करो तो ये बंद हो जाता है। इस फ्लावर का नाम है मिमोसा पुडिका, जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में टच मी नॉट कहते हैं। ठीक है, तो टच मी नॉट या छुई मुई जैसे फ्लावर्स जो होते हैं, ये कुछ ऐसे फ्लावर्स होते हैं जिनको स्टिमुलस अगर टच मिल गया तो ये क्लोज हो जाते हैं, इनके लीव क्लोज हो जाते हैं, इनसे बांध गया। ठीक है, टच की वजह से, तो अगर ये मोमेंट अगर ऐसा कुछ टच से होता है तो इस सूरत में हम इसे थिग्मोनेस्टी या सिज्मोनेस्टिक मोमेंट, और इस प्रोसेस को थिग्मोनेस्टी या सिज्मोनेस्टी कहते हैं। ठीक है, जहां पर स्टिमुलस आपका टच होता है, क्योंकि मैंने पहले कहा थिग्मो मतलब वो टच, नेस्टिक मतलब को नेस्टिक मोमेंट, यानी आपका टच कहीं से भी हो फ्लावर एक ही रेस्पॉन्स देगा, क्लोजिंग ऑफ फ्लावर लीफ। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है थर्मोनेस्टी। थर्मोनेस्टी मतलब को ऐसा नेस्टिक मोमेंट जो टेम्परेचर की वजह से हो, यानी फ्लावर्स टेम्परेचर की वजह से ब्लूम करते हैं, जैसे कि ट्यूलिप फ्लावर्स, ये एक टेम्परेचर डिपेंडेंट फ्लावर है। आपको शायद पता होगा जब ट्यूलिप गार्डन खुलते हैं तो ये कुछ टाइम के लिए ही खुलते हैं, क्योंकि इनसे टेम्परेचर सेंसिटिव आता है, ये थर्मो सेंसिटिविटी में होते हैं, ये थर्मो इनमें थर्मो सेंसिटिविटी होती है, दे आर थर्मो सेंसिटिव। ठीक है, तो इसे हम थर्मो नेस्टी कहेंगे अगर कोई टेम्परेचर डिपेंडेंट स्टिमुलस हमें मिलता है, यानी कोई मोमेंट अगर टेम्परेचर की वजह से हो रही है तो उसको हम थर्मोनेस्टिक मोमेंट कहेंगे, ऐसी मोमेंट जो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, टेम्परेचर की वजह से कॉज हो रहा है। ठीक है, अब टेम्परेचर की तो कोई डायरेक्शन नहीं होती है ना कि किसी एक डायरेक्शन से टेम्परेचर आ गया। ठीक है, तो कहीं से भी टेम्परेचर आ जाए, किसी भी डायरेक्शन से आए, तो उसका जो रेस्पॉन्स होगा वो ऐसा होगा कि आपका फ्लावर ब्लूम कर लेगा। ठीक है, और आप कहेंगे ये थर्मोनेस्टिक मोमेंट है, जहां पर जो फ्लावर है उसने टेम्परेचर के रेस्पॉन्स में टेम्परेचर के रेस्पॉन्स में मोमेंट दिखाई। ठीक है, तो यहाँ पर इस मोमेंट को थर्मोनेस्टी कहेंगे। थर्मो मतलब वो हीट,
शायद आपने देखा होगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन की एक टाइप है थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है, तो थर्मल डिकम्पोजिशन में क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ सबस्टेंसेस ड्यू टू हीट। ठीक है, तो जहां पर आप हीट दोगे और वहां पर सबस्टेंस ब्रेक होता है। ठीक है, इस पर तो कैल्शियम कार्बोनेट एस2 कारण थर्मल डिकम्पोजिशन। तो उसी तरह से थर्मोनेस्टिक यानी हीट पर नेस्टिक मूवमेंट होना, यानी नेस्टिक ऐसी नेस्टिक मूवमेंट जो डिपेंडेंट है हीट पर। ठीक है, टेम्परेचर पर। तो ट्यूलिप फ्लावर इसकी बेहतरीन एग्जाम्पल है जो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। इसके बाद आती है कॉम्प्लेक्स नेस्टी। कॉम्प्लेक्स नेस्टी मतलब को सिंपली जो हमने नेस्टिक मूवमेंट्स पढ़ी उनका इकट्ठे किसी प्लांट में होना, दो या दो से ज्यादा नेस्टिक मूवमेंट्स इकट्ठे एक प्लांट में होना, ऐसी मूवमेंट को हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नेस्टिक मूवमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर कोई जो मूवमेंट होती है वो कॉम्प्लेक्स हो जाती है फिर, क्या क्योंकि कहीं पर आपकी मूवमेंट लाइट के इंफ्लुएंस में होती है, कोई मूवमेंट आपकी टच के इंफ्लुएंस में होती है, कोई वाटर के इंफ्लुएंस में होती है। तो इन सारी मूवमेंट्स को जब एक प्लांट कैरी आउट करता है तो हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नेस्टिंग। ठीक है, यानी कि इस प्लांट में कॉम्प्लेक्स नेस्टिंग मूवमेंट हो रहा है एट अ टाइम। हो ऐसा भी हो सकता है कि एट अ टाइम ना हो, लेकिन प्लांट में सारी की सारी अलग अलग टाइम पे हो रही है। तो आप कहेंगे कि ये एक प्लांट एक ऐसा प्लांट है जो कॉम्प्लेक्स नेस्टिंग मूवमेंट कैरी आउट करता है। ठीक है, सो दिस वर ऑल द टाइप्स ऑल टाइप्स ऑफ नेस्टिक मोमेंट। इसके आगे हमारे पास टेक्सिस मोमेंट है, जो आखिरी एक्सोजिनस मोमेंट है। तो अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम उसे डिस्कस करेंगे। होप आपको